हेलो फ्रेंड्स, मैं बोकुस स्वागत करता हूँ टेक खबर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, थंबनेल से आपने देखा होगा कि मैंने जो है थंबनेल पे लिख रखा है कि अब बीएसएनएल जियो को भी पछाड़ सकता है। तो देखो, ये कुछ हद तक तो ठीक लगा, लेकिन जो चीज आगे पॉइंट में बताऊंगा वो थोड़ा सा आप लोग नहीं समझ, मतलब सभी को अच्छा नहीं लगेगा। और इसमें बाकी बीएसएनएल भी बहुत अच्छा कर रहा है, कोई पार्टिकुलर किसी कंपनी को टारगेट नहीं किया जा रहा है यहाँ पे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर बटन दबा सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अभी मैंने एक न्यूज पढ़ी जो कि दैनिक जागरण एप्लीकेशन के ऊपर पड़ी हुई थी। तो वहां पे लिखा था कि बीएसएनएल दे रहा है 300 रुपए में, जी हाँ 299 रुपीज में 1.5 GB डेटा और अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग, इस तरीके की टाइटल वहां पे लिखी हुई थी। तो मैंने सोचा यार बहुत अच्छी बात है, जो मैं 300-400 रुपए में देता हूँ, 400-500 रुपए देता हूँ जियो के लिए, मैं जाऊंगा बीएसएनएल करा लूंगा। तो वहां पे देखने को क्या मिलता है कि वहां पे साफ साफ लिखा है, मतलब कुछ घुमा के, कि जो बीएसएनएल है वो आपको अनलिमिटेड डाटा, 1.5 GB डेटा देगा और अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग। सिर्फ 1.5 GB के बाद आपकी शायद नेट चलना बंद हो जा रही है। और उसके बाद ये कितने दिन के लिए, सबसे ज्यादा पहले तो हम लोग यही देखते हैं। सबसे पहले बता दूं, ये सिर्फ और सिर्फ 30 दिन के लिए था। तो मेरे समझ में आया कि भाई ये बहुत महंगा है, हमारे बस की बात नहीं है, हम लोग के लिए तो जियो ही बेस्ट है। तो देखते रहो, अच्छे अच्छे प्लान आते रहेंगे तो हम लोग आप लोग को इन्फॉर्म करते रहेंगे। अगर आप लोग को इसी तरीके की वीडियो देखनी है तो कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर भी करिए, और बेल आइकन को नहीं दबाया तो दबा लो। और कुछ नहीं, फिर मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग लोग से, तब तक के लिए धन्यवाद।